तो भाई लोग, तो 100 मेन कंपटीशन 2023 का जो मैच नंबर 31 है ना, इस मैच में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के सामने होगा साउथन ब्रेव। अगर हम यहाँ पे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की बात करें तो लगभग प्ले ऑफ में अपनी जगह बना ही चुका है। अगर ये मैच जीत जाएगा तो इसका पक्का हो जाएगा, अगर हार जाएगा तो थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो सकता है, फिर तो रन रेट देखना पड़ेगा। वहीं साउथन ब्रेव की बात करें, अगर साउथन ब्रेव ये मैच हार जाता है तो सीधा सीधा बाहर हो जाएगा, लेकिन ये मैच जीतता है तो मैनचेस्टर की बराबरी कर लेगा 9 पॉइंट पर। मतलब साउथन ब्रेव का फायदा यह है कि ये मैच जीतो खुद तो 9 पॉइंट पे पहुंच जाओगे, साथ में मैनचेस्टर का जो 9 पॉइंट है ना उनको उसी पे रोक देंगे, तो रन रेट के हिसाब से साउथन ब्रेव का भी चांस बन सकता है। तो साउथन ब्रेव हर हाल में इस मैच को जीतना चाहती है, वहीं मैनचेस्टर ओरिजिनल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, सीधा सीधा प्ले ऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए हर हाल में इस मैच को जीतना चाहता है। लेकिन आपको पता है ना, दोनों में से कोई एक भाई साहब जीतेंगे, एक भाई साहब को हारना पड़ेगा, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। वैसे अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो इससे पहले इनके बीच में एक मैच खेला गया, उस मैच को मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने साउथन ब्रेव को राउंड डाला। तो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स बोलेगा ना, भैया असली ओरिजिनल्स तो हम ही हैं, क्योंकि जब पहले आप आए थे तो हमने आपको पेट दिया था, तो हम तो फिर से करने वाले हैं मैदान फतेह। वहीं साउथन ब्रेव बोलेगा, अच्छा बेटे आया है मैदान फतेह करने, पिछली बार तुमने रौंदा था तो इस बार हम आपको पटकनी देंगे, करेंगे पलटवार, लेंगे पिछली हार का बदला। तो क्या होगा आज के मैच में, चलो जानते हैं। बस उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो भाई का सपोर्ट करना बनता है ना। करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चाहे तो भाई का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको पता है ना, द 100 मेंस के अलावा 100 वुमेंस भी चल रही है, CPL भी चल रहा है, US मास्टर T10 लीग भी चल रही है, एशिया कप स्टार्ट होने वाला है। इन सभी मैचों की जबरदस्त प्रेडिक्शन कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे। तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, बस फेक से बचें, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और किसे ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहाँ पे जो लिंक मिलेगी, बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग, जो मैच है ना, वेडनेसडे 23 अगस्त इंडिया टाइम अनुसार 11 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। यह मुकाबला खेला जाएगा ओल्ड ट्रेफोर्ड मैनचेस्टर के मैदान पे। इस मैदान पे इससे पहले द 100 के 8 मैच खेले गए, जिसमें से 4 मैच में टारगेट डिफेंड, 4 मैच में टारगेट चेज। मतलब इस मैदान पे चेज और डिफेंड की जो कहानी है वो तो बिल्कुल बराबरी की है। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 155, 155 रन, टारगेट चेज की बात करें 147, 147 के नीचे स्कोर बनेगा। 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 163, 163 प्लस स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 147 से 163 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना मामला तो बराबरी का आ गया, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग, यहाँ का जो सरफेस है ना वो ग्रोस है, लेकिन ग्रोस क्या कहेंगे, फ्लैट ही बोलेंगे, क्योंकि शुरू के 8-10 बॉल हटा दो तो थोड़ा बहुत वहाँ पे तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलता, नहीं तो उसके बाद जैसे ही बॉल की साइनिंग खत्म होती है जो बॉल होता है ना बैट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है बैटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 65 मीटर से 85 मीटर की, मतलब एक साइड बड़ी एक साइड छोटी, तो जो स्पिनर्स गेंदबाजे एक आता दो विकेट उनको मिल जाते हैं, लेकिन साथ में पिटाई भी काफ़ी ज़्यादा चलती रहती है। तो इसलिए यहाँ पर जो मैच होता है वो थोड़ा सा हाई स्कोरिंग देखने को मिलता है। अगर हम आज के मैच में पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 43 से 48 के बीच में देखने को मिल सकता है। 100 बॉल स्कोर की बात करें तो 150 से 165 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहां के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने 8 मैच खेला, 5 जीता, 3 मैच हारा, मतलब अपने घर में मैनचेस्टर ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी है, लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त या खतरनाक नहीं कहेंगे। साउथन ब्रेव इस मैदान पर पहली बार मैच खेलेगा, जब पहली बार खेलेगा तो क्या कर पाएगा, चलो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के, हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो मे बी नॉट, कोई भी चेंज ना होगा। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो फिलिप्स ओल्ड सभी मैचों में ना चले, लेकिन जिस मैच में चले मैच को खत्म कर दिया। जोस बटलर लगातार सभी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं सभी मैचों में। लॉरी वेंस की बात करें तो ये भी एक आता मैच में चल रहे, एक आता मैच में ना चल रहे। मैक्स होल्डन की भी यही कहानी, एक आता मैच में चल रहे, एक आता मैच में ना चल रहे। एस्टन टर्नर भी एक आता दो मैच में बढ़िया बल्लेबाजी की, नहीं तो सभी मैचों में फुल आउट। हालांकि जो इनके दो ऑलराउंडर हैं पॉल वॉल्टर और जेमी ओवरटन, ये दोनों काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे बल्लेबाजी की बात करें तो लगातार सभी बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहा है, लेकिन होता क्या है कि एक मैच में एकाता दो बल्लेबाज खड़े हो जाते हैं और अच्छी खासी धुनाई कर देते हैं, जिसकी वजह से ना काफी बढ़िया हो जाता है इनके लिए। तो मतलब जो भी खेलता है बढ़िया खेल जाता है, लंबी पारी खेलता है, तो इससे क्या लग रहा है कि लगातार सारे बल्लेबाज रन नहीं बना रहे, लेकिन टीम बल्लेबाजी अच्छी है कि एकाता दो खड़े होना है उनको रन बनाना। बाकी गेंदबाजी की बात करें तो जोश टंग जब से खेल रहे ना बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सभी मैचों में किफायती रहते हुए विकेट निकाल रहे हैं। हालांकि जवान
जवान खान की बात करें, जवान खान को उतने विकेट सिकेट ना मिल रहे, ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन कैल्विन हैरिसन की बात करें, जो कि पिछला ही मैच खेला था, भाई साहब ने 4 या 5 विकेट चटका दिए थे, क्या जबरदस्त गेंदबाजी करी। बाकी टॉम हर्टली तो पहले से बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, जो कि किफायती होने के साथ साथ विकेट भी निकालते, तो मतलब इनके जो 4 गेंदबाज है उसमें जवान खान को विकेट नहीं मिल रहा, बाकी 3 गेंदबाज काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन इनको ज्यादा फर्क ना पड़ता क्योंकि जेमी ओबर्टन और पॉल वोल्टर बढ़िया बल्लेबाजी के साथ साथ बढ़िया गेंदबाजी भी करके देते हैं। मतलब जो इनकी विरेशन होती है अच्छी होती है, रन भी नहीं देते, विकेट निकाल के देते हैं, तो ठीक ठाक इनकी बल्लेबाजी भी चल रही है, ठीक ठाक इनकी गेंदबाजी भी चल रही है। किसकी? मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की। मैं दोस्तों अगर हम यहाँ पे साउथन ब्रेव की बात करें तो मुझे लगता है साउथन ब्रेव भी कोई भी चेंज करेगा। हालांकि जो फिन एलन है ये शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, 20-25 रन की पारी खेलते हैं, लेकिन लंबी पारी ना खेल पाते। डिवेन कर्मा की बात करते 1-2 मैच हटा दिया जाता है, सभी मैचों में फ्लॉप। जेम्स सिमंस की बात करें 1 मैच में बढ़िया पारी आई, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप। लुइस डुपुई की बात करते ये 1 मैच में चलते हैं, 1 मैच में नहीं चलते, लेकिन जिस भी मैच में चलते हैं 20-25-30 रन, लंबी पारी ये भी नहीं खेल पाते। कॉलिन अकरमैन की बात करते जितने भी मैच खेले 2-3-4, एक भी मैच में इनका बल्ला ना चला। टीम डेविड की बात करते 2 मैच में बढ़िया पारी आई है, और तब आई है इनकी बढ़िया पारी जब टीम मैच हार चुकी थी, जब इनके बल्लेबाजी से कोई मतलब नहीं था। मतलब जब मैच फंसा होता है तो टीम डेविड नहीं चलते, जब टीम हार चुकी होती है, जब कोई प्रेशर नहीं होता तो इनके बल्ले से रन निकल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो पूरी की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप साउथन ब्रेव की स्ट्रगल कर रही है। इनके बल्लेबाजों से अच्छा ना क्रिस जॉर्डन बल्लेबाजी करके दे रहे हैं, जब जब इनको मौका मिला अपनी टीम के लिए बढ़िया बल्लेबाजी करी। क्रिस जॉर्डन भी, जॉर्ज गटन भी बढ़िया बल्लेबाजी करके दे रहे हैं, मतलब बल्लेबाजों से बेहतर क्रिस जॉर्डन और जॉर्ज गटन बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी बल्लेबाजी कितनी ज्यादा खराब चल रही है, जबकि गेंदबाजी हो रही है जबरदस्त। टाइमल मिल्स की बात करें तो एक भी ऐसा मैच नहीं होगा जहां पे विकेट ना चटकाए हो, किसी मैच में 2, किसी मैच में 3, और इसके साथ किफायती भी रहे, रन भी ना दिए। क्रिस जॉर्डन ने जब जब खेला बढ़िया गेंदबाजी करी, 2-3 विकेट निकाले, किफायती रहे। क्रेग ओबर्टन ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी करी, हालांकि सभी मैचों में विकेट ना मिले, लेकिन ठीक ठाक गेंदबाजी इन्होंने भी करी। जॉर्ज गटन की बात करते न्यू बॉल से हमेशा बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, हालांकि इनको थोड़ा सा रन पड़ जाता है लेकिन विकेट निकाल के देते हैं। रेहान अहमद इस सीजन बहुत ही ज्यादा किफायती रहे, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा मैच का गया होगा जहां पे अपने 20 बॉल में 20-22 रन से ज्यादा खाया होगा और विकेट भी 1-2 सभी मैचों में निकाल ही रहे हैं। तो मतलब गेंदबाजी बढ़िया चल रही है, लेकिन फिर भी ये मैचेस हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके बल्लेबाज है ना वो ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो भैया अगर हम यहाँ पे देखें तो बल्लेबाजी जो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की है ना, उसके सामने साउथन ब्रेव की जो बल्लेबाजी है करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से वो फीकी फीकी सी नजर आ रही है। हालांकि दोनों तरफ देखे तो दोनों तरफ बढ़िया बल्लेबाजी एक्सपीरियंस है, लेकिन परफॉर्म बढ़िया मैनचेस्टर के बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाकी गेंदबाजी की बात करें तो मुझे लगता है गेंदबाजी में दोनों टीमों के जो गेंदबाज है वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो भैया आज के मैच में फिर क्या होगा, कौन सी टीम मैच जीतेगी, चलो जानते हैं। लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो भाई का सपोर्ट करना बनता है ना, करना क्या है भाई साहब, कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम इस मैच की बात करते जो मैच है ना वो 50-50 मैनचेस्टर ओरिजिनल्स एंड 50 साउथन ब्रेव। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना मैनचेस्टर ओरिजिनल्स अपने नाम पे कर सकता है, लेकिन मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें क्योंकि जो फाइनल प्रेडिक्शन है ना वो टेलीग्राम पे मिलेगी। और आपको पता है ना द 100 मेंस के अलावा 100 वुमेन्स भी चल रही है, CPL भी चल रहा है, एशिया कप स्टार्ट होने वाला है और US मास्टर T10 लीग भी चल रही है। तो इन सभी मैचों की जो जबरदस्त प्रेडिक्शन है वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती है, तो जरूर ज्वाइन करें, बस फेक से बचें क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिया गया, इसे इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।